आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के तीन रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि आर्मी चीफ की तैनाती पर आइन खामोश है। दोबारा तैनाती किस कानून के तहत होगी? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आइन में जनरल की रिटायरमेंट की मुद्दत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमारे सामने सिर्फ आर्मी चीफ का मामला है, किसी जनरल का नहीं। 255 की ज़ेली शिक ए में मुकर्ररा मुद्दत पर रिटायरमेंट का लफ्ज है। अटॉर्नी जनरल ने दलाल देते हुए कहा कि 1970 के कानून के तहत रिटायरमेंट की उम्र मुतय्यन थी। आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती से मुतालिक अदालत को मुतमईन करूंगा। तैनाती आर्टिकल 243 के तहत होती है। आर्मी चीफ की तैनाती और मुद्दत 1975 के कन्वेंशन के तहत है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती की गई, लेकिन नोटिफिकेशन तौसी का है, किसी ने पढ़ने की जहमत तक नहीं की। आला तरीन अफसर के साथ तो ऐसा ना करें। आर्मी चीफ की तैनाती की शरायत कवायद के तहत तय होंगी। आर्मी चीफ सुबह रिटायर हो रहे हैं तो केस का फैसला फौरी होना चाहिए। माजी में कई जर्नैलों ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी ली, किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल उठाया गया है तो जायजा लेंगे। यह कानून की अदालत है, यहाँ शख्सियात मानी नहीं रखती। कोई चीज कानून के खिलाफ हुई तो फैसला देंगे। सुबह केस पर दोबारा समाप्त होगी।